नमस्ते बच्चों, क्लास टेंथ सब्जेक्ट एसएसटी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजना। तीन परियोजना है हम पढ़ेंगे राजस्थान की, चंबल घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और बिसलपुर परियोजना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी जो परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। जिस नदी पर इसका निर्माण हुआ उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी इस नदी का नाम है। इसके अंतर्गत क्या है, मध्य प्रदेश से ये जो नदी है वह मध्य प्रदेश से कहाँ प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश से चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में क्या करती है, प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा बूंदी पर एक सीमा बनाती है। कोटा बूंदी पर एक सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, कोटा बूंदी पर क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और सवाई माधोपुर करौली धौलपुर, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर यहां से होती हुई कहां पर चले जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इससे चंबल घाटी परियोजना का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। कहां से, मध्य प्रदेश से होती हुई चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा बूंदी में क्या करती है, सीमा बनाती है। वहां से सवाई माधोपुर करौली धौलपुर से होती हुई कहां मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और इसी कारण इस परियोजना का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसका जो आरंभ हुआ है वह आरंभ 1953 में हुआ था। और यह जो परियोजना है यह परियोजना तीन चरणों में पूरी हुई है। पहला चरण है गांधी सागर बांध, दूसरा जो है वह है राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा जो है वह है हमारा जवाहर सागर पिकअप बांध। ये तीन चरणों में इसको पूरा किया। कैसे, गांधी सागर बांध जो कि कहां है, मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में, वहां पर इस बांध का निर्माण किया गया और विद्युत घरों का निर्माण भी वहां पर किया गया। कोटा बैराज और वह नहरों का निर्माण कोटा में किया गया, यानी कोटा में जो कोटा बैराज है वहां पर, सॉरी राजस्थान में कोटा जो है वहां पर कोटा बैराज बांध बनाया गया जो इसके नहरों के द्वारा केवल सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। जो कोटा बैराज बांध है वह केवल सिंचाई के लिए, नहरों की सिंचाइयों के लिए काम में लिया जाता है। तो इस चरण में दो बांध है, एक है कोटा बैराज और दूसरा है गांधी सागर बांध। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर इसका निर्माण किया, वहां पर विद्युत घरों का भी निर्माण किया। यानी राजस्थान में चंबल नदी जब प्रवेश करती है तो वहां पर चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा है, वहां पर इस बांध का क्या हुआ है, इस बांध का निर्माण किया गया। तीसरा है जवाहर सागर पिकअप बांध, कोटा बूंदी जिले की सीमा पर इस बांध का निर्माण किया गया तथा यहाँ पर भी विद्युत ग्रहों का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर चार प्रकार के बांध बनाए गए। एक है गांधी सागर बांध, पहला गांधी सागर बांध जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और जो तीन जो बांध है वो कहाँ है, राजस्थान में। पहला है राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर पिकअप बांध और जो चौथा है वो है कोटा बैराज, सॉरी तीसरा जो है वो कौन सा है, कोटा बैराज। यानी तीन जो बांध बनाए हुए वो राजस्थान में और एक जो बांध बनाया वो क्या है, मध्य प्रदेश में। इन तीनों बांधों में तो क्या होता है, विद्युत ग्रहों का निर्माण किया जाता है, लेकिन जो कोटा बैराज है वहां पर विद्युत ग्रहों का निर्माण नहीं होता, ये केवल नहरों के सिंचाई के काम में इस बांध का कार्य किया जाता है। तो यह है हमारी चंबल घाटी परियोजना। सेकंड जो पढ़ेंगे वो माही बजाज सागर परियोजना। देखिए माही नदी के बारे में, ये जो परियोजना है ये राजस्थान और
गुजरात की संयुक्त परियोजना क्या है? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। इस हेतु इस परियोजना के लिए विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर नवीन परियोजना के लिए 1966 में इस परियोजना का विकास किया गया। 1966 में दोनों राजस्थान और गुजरात राज्यों ने मिलकर क्या करा, इसका निर्माण किया। इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि डूंगरपुर में बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र जो है, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर उनके आर्थिक विकास के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए, उन्हें सिंचाई की सुविधा देने के लिए तथा विद्युत जो है, विद्युत प्रदान करने की सुविधाओं का विकास करने के लिए इस परियोजना का क्या किया गया, निर्माण किया गया। आर्थिक विकास, सिंचाई की सुविधा और विद्युत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना का क्या किया गया, निर्माण किया गया। राजस्थान में जो बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर इस माही बजाज सागर परियोजना का क्या किया गया, निर्माण किया गया। कहां पर? राजस्थान में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर इस परियोजना का क्या किया गया, निर्माण किया गया। गुजरात में भी गुजरात सरकार की लागत में कनाड़ा बांध का क्या किया गया, निर्माण किया। गुजरात ने अपने खर्चे पर इस बांध का क्या क्या निर्माण किया। फिर देखिए आगे, इसका जो उद्देश्य है वह था विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध जो है वहां पर दो विद्युत ग्रहों का निर्माण किया। क्या किया गया, दो विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया ताकि जो विद्युत तंत्र प्रणाली है वह सुचारू रूप से इस पर चल रहे। इसीलिए इस माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया। तो यह है हमारा माही बजाज परियोजना। अगली जो है वह है बिसलपुर परियोजना। यह जो परियोजना है बहुउद्देश्य जल परियोजना बिसलपुर परियोजना जो सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। यह जो परियोजना है पर टोंक जिले के टोडा राय से कब्जे कस्बे के पास बिसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर इसका निर्माण किया गया। जो इस बनास नदी पर 574 मीटर के लंबा बांध है और ऊंचा कितना है, 395 मीटर ऊंचा। ये क्या है, इस बांध का क्या किया गया, निर्माण किया। कहां किया गया, टोडा राय से जो टोंक जिले में है उस कस्बे के पास बिसलपुर नामक स्थान पर जहां पर बनास नदी है 574 मीटर लंबा और 395 मीटर ऊंचा जो बांध, इस बांध का निर्माण किया गया। इस बांध के दाएं और बाएं किनारे पर क्या निकल रही है, दो नहरें निकलती है। कितनी, दो नहरें निकलती है। और इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई प्रदान करना और तथा रास्ते में जितने भी शहर आते हैं उन शहरों को पेयजल की सुविधाएं करना, जैसे जयपुर, अजमेर, टेकड़ी, सरवाड़, कौन कौन से, जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, वह रास्ते में आने वाले जितने भी गांव को है उन्हें पेयजल की आपूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है तथा टोंक जिले में 556 गांव में, टोंक जो जिला है उस जिले में 556 गांव में पेयजल की आपूर्ति इस परियोजना के माध्यम से की जाती है। तो यह है हमारी बिसलपुर परियोजना जिसका उद्देश्य सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करना, जो हमारे टोंक जिले के राय टोडा राय से
कस्बे के पास बुसिल बिसलपुर नामक बनास नदी पर बना हुआ है। इसमें दो नहरें निकल रही है जो सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई प्रदान करती हैं तथा रास्ते में आने वाले जितने भी गांव हैं शहर उन सबको सिंचाई की पूर्ति करती है और टोंक जिले में 556 गांवों को ये जल की आपूर्ति करती है। तो ये है हमारे राजस्थान की तीन बहु जल परियोजना। पहला था हमारा चंबल परियोजना थी, दूसरा था हमारा राणा सागर माही बाजार सागर बांध था, तीसरा है हमारा बिसरपुर परियोजना। ये नोट्स जो है वो आपको अपने CW कॉपी में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।